हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। DSSSB की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत अच्छी खबर आप सबके लिए। पहली बार कुछ अच्छा किया है DSSSB ने, तो चलिए देखते हैं क्या ये न्यूज़ है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करें, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी आपकी। DSSSB प्रतियोगी परीक्षाओं की मेरिट के साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा। एलजी ने मंजूरी दे दी है DSSSB को। नई नीति के तहत परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थी चयनित या रिजर्व पैनल में रहेंगे, साथ ही परीक्षा परिणाम की मुख्य मेरिट जो आपकी फाइनल मेरिट रहेगी उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मुख्य मेरिट के साथ 20% आपके अभ्यर्थियों के नाम वेटिंग लिस्ट में हो गया। आपके 1 साल तक वैलिड रहेगी आपकी वेटिंग लिस्ट, उसमें आपके 20% कैंडिडेट्स का नाम होगा वेटिंग लिस्ट का। अगर मेरिट में आए अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं लेते या 1 साल में त्याग पत्र दे देते हैं और अभ्यर्थी के पात्र नहीं होने जैसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के आधार पर पदों को भरा जाएगा आपका। अब आपको रैंक का पता होगा कि आपका किस रैंक पे रोल नंबर है, आपका वेटिंग लिस्ट में कौन से नंबर पे आपका रोल नंबर है। DSSB अभी तक 10% संख्या के साथ प्रतीक्षा सूची को बताता था पर जारी नहीं करता था। इससे अभ्यर्थियों को उनकी रैंक सिलेक्शन के बारे में पता नहीं चलता था, अब उन्हें उनकी रैंक का पता चल सकेगा। अब आपको अपनी रैंक वो पता चल जाएगी, आपकी क्या रैंक है, वेटिंग लिस्ट में आपकी कौन सी रैंक रहेगी। बहुत अच्छी खबर है ये। तो यही एक अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।